आप यहाँ फिर से क्यों? ये बात तुम खुश होकर भी तो पूछ सकती हो ना, पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन की शुरू कर देती हो। आप मेरी यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हैं, मुझे स्टॉक कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मैं इस बात पे खुश हूँ? वैसे एक नॉर्मल इंसान को तो खुश होना चाहिए, लेकिन अगर तुम गुस्सा करना चाह रही हो तो कर सकती हो। मैं सहलू तुम्हारी खातिर कुछ भी। समीर मुझे नहीं पता आपने दो मुलाकातों के बाद मुझे ये बकवासियात आपकी इंप्रेस। बकवासियात? वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बोलती है ना। बाय द वे ये जो वर्ड पजल हम यहाँ खेल रहे हैं, ये बात हम गाड़ी में बैठ के भी तो कर सकते हैं, और वहां शायद आपको मेरी बकवासियात अच्छी लगने लगे। क्या मतलब? मतलब कोई काम की बात भी तो की जा सकती है। मुझे नहीं लगता समीर आपको काम की बात करने आए। आप मेरी यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े, कोई कैफेटेरिया नहीं है। मैं जितनी देर आपके साथ यहाँ खड़ी आऊंगी ना, मेरे नाम के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ती रहेगी। मुझे आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, और ये रोड साइड रोमियो वाली हरकतें तो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद ना। मैं इन सब चीजों से इम्प्रेस होंगी। उम्मीद करती हूँ आइंदा आप यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन आज क्यों आए हैं आप? हया देखो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें तंग करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। तुम्हारी अंगूठी, आखिरी मुलाकात पर तुम्हारी अंगूठी मेरे पास रह गई थी। तुम्हारी चीज है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वापस तो करनी थी ना, बस यही वापस करने आया। थैंक यू। वेलकम। बाय द वे, अब आप मुझे रोड साइड रोमियो तो नहीं कह सकते? फिर सी बात है, दिमाग से जबान से नहीं आते, क्योंकि जबान में लचक होती है, फिसल भी सकती है। कह दूंगी दिन का कहा था। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर ये बात सत्यन को पता चलेगी तो? इसे कैसे पता चलेगा अगर तुम नहीं बताओगी तो? वैसे बड़ा बिजी था किचन के आसपास मरियम की मदद करने के लिए, इसे भेज दिया मैंने पप्पू बशारत को लेने, शाम से पहले नहीं आएगा। जान जो कहा है वो करो। भाई ये समझो कि आज का खाना उसकी काबिलियत का नहीं, तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है। मैं भी देखती हूँ फतह किसकी होती हूँ। वैसे भी सत्यन आजकल हम लोगों से कुछ ज्यादा ही बदजन है, अगर सुन लेता ना हम दोनों के पीछे पड़ जाता। है मैं जा रही हूँ, तुम नहीं आना महाराज। सुजीला आप ही खबरदार, तो मुझे आप ही बोला निकलो यहाँ से। चलो क्या किया था? छोड़े मेरा। क्या क्या हुआ? छोड़े मेरा। शर्म नहीं आई तुम्हें? इस घर में रहती हो, जिस थाली में खाया उसी में छेद, कुछ तो हया कर लेती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, इस घर की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। सत्यन की बीवी की इज्जत हमारी इज्जत है, और उसकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। हाँ हाँ होंगी मैं बेशरम, आपको जो समझना आप मुझे समझ रहे, लेकिन एक दफा ये पूछ ले कि ये करने के लिए मुझे किसने कहा है? बताओ बताओ किसने कहा तुमसे ये करने को? सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? बताओ। आपकी अनिला आपी ने। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ हुआ है क्या? मुझे तो आप ही ने डरा ही दिया, उन्होंने अभी बताया कि मेहमान रात में नहीं अभी आने वाले हैं,
तो एकदम से टेंशन में आ गई। मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए होगी प्लीज। कहने की क्या बात है, मैं अभी नौशीन से यही बात कर रही थी कि तुम मुझे रात की कहानी सुना रही हो, मेहमान तो अभी आ रहे हैं, पर सब कुछ तुमने कर ही लिया है ना, तो अब एक काम करो ना, तुम मदद कराओ बरियन की जो रह गया। तो क्या हो गया, मदद करने के लिए कह रही हूँ मैं, आंखें फाड़ने की क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी बड़ी बात बोलती, सारा खाना तो बना लिया, ये देखो देगचिया बनी रखी है, तुम्हें सिर्फ हेल्प ही तो करानी है। हाँ बताओ मरियम। बस दम वाला कीमा और मीठा रह गया। हाँ हाँ तो ये बनाएगी ना, चलो चलो शाबाश लच्छू। मैं बता देती हूँ, ठीक है साथ में मिलके कर लेते हैं। हेलो सिटी आ गई हो, उम्र हो गई है ये जो ड्रामेबाजी है हरी चला के है ना, अब इससे रिटायरमेंट ले लो ठीक है, क्योंकि जो बाजी फेंक रही हो ना वो उल्टी पड़ रही है। साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो सजील, ये जो मरियम है ना, मरियम हाँ हाँ बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुलझी हुई है और चीजों को समझती है, रिश्तों को भी, और हमारे प्यारे नहीं नहीं आपके प्यारे सिप्ते की बीवी है, वो भी मोहब्बत की शादी की, तो जो वो कहेगी वो वही करेगा और जो वो दिखाएगी वो वही देखेगा। बस कर दो, नफरत हो गई मुझे इस प्यार प्यार की तकरार से, ठीक कर कर लो नफरत दिल भर के, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सप्तैन को पता चल जाता कि तुम उसकी प्यारी बीवी के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही हो तो फिर तुम्हारे साथ क्या करता, भलाओ मेरे शोहर नदीम का, उसे मुझे आके बता दिया, संभाल लिया सब मैंने, मैं तुम्हारे साथ तो सप्तैन कुछ कर ही देता। ये नदीम क्यों कर रहा है मेरी जासूसियां है, उसको मेरी तरफ से कह दो अपने काम से काम रखे, और घर में क्या कर रहा है, शुरू होगी उसकी काम चोरियां। बेचारे ने आपको मुसीबत में पड़ने से बचा लिया, नेकी की उसी को बुराई दे रही हो। अगर पता चल जाता सप्तैन को कि उसकी प्यारी बीवी के खिलाफ तुम किस तरह की स्कीमिंग कर रही हो तो क्या करता तुम्हारे साथ, मुझे एक लम्हे के लिए सोच कर बताओ तुम्हारे साथ क्या। प्यारी बीवी ये इस तरह की बातें तुम ही सप्ते से करती हो, मैंने तो उसको भेज दिया है खाला बशारत को पिक करने। खाला बशारत कनाडा में नहीं रहती है, 26 घंटे दूर हैदराबाद में रहती है, अभी आ जाएगा शाम तक वापस। अच्छा वो पता तो नहीं चला ना कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है, ये नौशीन है ना इसको तुमने बहुत डील दे रखी है, समझ जाओ और इसको टाइट करो, वरना ये तुम्हें भी मरवाएगी और मुझे भी मरवाएगी। देख रही हूँ तुम जरूरत से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही हो, मेरी दी हुई ढील का नाजायज फायदा उठाया ना तो तुम्हारे गले के इर्द गिर्द डोर ऐसी कसूंगी कि पता बन जाएगा। आप ही क्या कर रही है, हाँ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। दर्द दे रही हूँ तो हो रहा है, हाँ अगर ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही तो कोई बड़ी चोट दी तो क्या करोगी। दी तो है, मोहब्बत की चोट से ज्यादा भी कोई चोट हो सकती है, दिल टूटता है ना तो दर्द होता है। तुम्हारी औकात नहीं है सिप्ते से मोहब्बत करने की, समझ आई तुम्हें, जो मोहब्बत का नाटक कर रही हो वो उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं कहूंगी। ये जो दिन में 10-10 बार तुम मेकअप करती हो उसका कोई फायदा नहीं, सिप्ते ने तुम्हें नहीं देखना, वो सिर्फ तब देखेगा जब मैं उसे तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखो, वरना और भी तरीके हैं समझाने के।